नमस्कार, जेके खबर नाउ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित कुमार और इस समय हमारे साथ अमृतसर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से जो डीन सर है वो हमारे साथ इस समय मौजूद है। एक्चुअली आज उनको लाइव आने का और उनको लाइव लाने का सिर्फ यही मकसद था कि पिछले कई दिनों से अमृतसर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की कैंपेनिंग जम्मू कश्मीर में चल रही है और स्कॉलरशिप, एक स्पेशल स्कॉलरशिप जो जम्मू कश्मीर के बच्चों को दी जा रही है उसकी प्रमोशन बहुत बड़े स्तर पे चल रही है। हालांकि ये एक जाना माना नाम है एजुकेशन के फील्ड में, लेकिन जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए इस बार इन्होंने एक स्पेशल स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया है। हमारा मकसद भी यही था कि हम उनको लाइव लाएं और जम्मू कश्मीर के बच्चों को ताकि वो समझा पाए कि क्या क्या ऐसी स्कॉलरशिप सिर्फ जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए वो लेकर आए हैं। सर, मेरा पहला सवाल यही है आपसे कि जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए ऐसा क्या स्पेशल है जो आप देने जा रहे हो? हाँ, नमस्कार सुमित जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर टुडे शो। और आपका पहला सवाल है कि जम्मू कश्मीर के जेएनके के स्टूडेंट्स के लिए क्या खास है, तो मैं इसको कंपैरिजन के रूप में आपको आपके माध्यम से पूरे जम्मू कश्मीर के रीजन और अपने आसपास के लोकल रीजन में आपके माध्यम से ये जानकारी विद्यार्थियों को और उनके अभिभावकों को देना चाहता हूँ कि पिछले सालों के कंपैरेटिवली अमृतसर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की तरफ से इस साल जम्मू कश्मीर स्टूडेंट के लिए जो फी स्ट्रक्चर है उसमें परमानेंटली एक फिक्स्ड स्कॉलरशिप इस रीजन में रहने वाले सब विद्यार्थियों को दिया जा रहा है। इससे पहले ये स्कॉलरशिप मार्क्स के बेसिस पे होता था, लेकिन इस साल से ये फिक्स स्कॉलरशिप जो है उसमें ज्यादा संख्या में लोग या ज्यादा संख्या में विद्यार्थी उसको अवेल कर पाए इसकी व्यवस्था की गई है। और ये बताते हुए भी, मुझे जानकारी देते हुए भी बहुत खुशी हो रही है कि अमृतसर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में ऑलरेडी जम्मू कश्मीर और पूरे रीजन के जो है ये कुल मिलाकर के 250 के आसपास बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। ओके, तो और ये देखते हुए कि इस रीजन से बहुत सारे बच्चों के लिए पहली च्वाइस एक तरह से एजुकेशन के फॉर्म में अमृतसर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस बनता जा रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए सब बच्चों के लिए कॉन्स्टेंट लेवल पे स्कॉलरशिप परमानेंटली इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो सीधा ये कहें कि स्ट्रक्चर जम्मू कश्मीर के रीजन के विद्यार्थियों के लिए अलग जी। सर, एजुकेशन में बहुत सारे और भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े बड़े नाम हैं, तो जम्मू कश्मीर के बच्चे इसको कैसे समझें कि अमृतसर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जो है वो उनके लिए ऐसा क्या स्पेशल लेकर आए हैं कि उनको अमृतसर ग्रुप ऑफ कॉलेज ही ज्वाइन करना चाहिए, अगर आप सीधे शब्दों में समझा पाए तो? सीधे शब्दों में सुने कि मैं आपको आपके माध्यम से बताऊंगा कि क्वालिटी एजुकेशन एंड वैल्यू फॉर मनी, ये दो चीजें हम कॉलेजेस की तरफ से कहते हैं। और क्वालिटी एजुकेशन की जब मैं बात करता हूँ तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा और आपके माध्यम से विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को बताना चाहूंगा कि अमृतसर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस नैक ए ग्रेड में मान्यता प्राप्त है और इसके चार कोर्सेज एनबीएस से एक्रेडिटेड हैं और यूजीसी का ऑटोनमस इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो अगर आप देखेंगे आप आसपास के रीजन में बहुत सारे कॉलेजेस होंगे, लेकिन ऑटोनमस और नैक ए ग्रेड कॉलेज आप इनमें नहीं है, कोई भी नहीं। तो अगर हम पूरे पंजाब की भी बात करें और पूरे नॉर्दर्न इंडिया की बात करें, अगर पूरे इंडिया की बात करें तो हार्डली इसमें 7-8% कॉलेज ऐसे होंगे ऑल अक्रॉस इंडिया जो कि ऑटोनमस और नैक ई ग्रेड। और अगर नॉर्दर्न इंडिया की बात करें तो आपको 20 से ज्यादा इंस्टीट्यूट ही पढ़ेंगे। नॉर्दर्न इंडिया का मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान मिलाकर के बात करता हूँ। तो पहला तो पॉइंट ये कि हम लोग क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर फोकस हैं, क्वालिटी की वजह से ही ये सारी तरह की मान्यताएं हमें मिली, पहली बात। दूसरी बात ये कि वैल्यू फॉर मनी का मतलब यह है कि जितनी फी स्ट्रक्चर जिस स्टेचर का ये कॉलेज है उस स्टेचर के हिसाब से अगर आप कंपेयर करेंगे फी स्ट्रक्चर विद दी ऑल कॉलेजेस विच आर अराउंड इन द रीजन, तो आप इसको बहुत कॉम्पिटिटिव फीस आप मानेंगे। और ये वैल्यू फॉर मनी इस तरह से है कि
जो फीस हम ले रहे हैं उसके अंदर इस फीचर का कॉलेज हमको नहीं मिलेगा। ओके सर, बाकी चीजें तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज विस्तार से बताएंगे। मैं सिर्फ एक छोटा सा आइडिया जो है वो जम्मू कश्मीर के बच्चों को स्पष्ट शब्दों में देना चाह रहा था कि आपसे बातचीत हो जाए, छोटी सी बातचीत। तो सर एक और बच्चों के माइंड में क्वेश्चन रहता है कि प्लेसमेंट का क्या है, अगर हम कोर्स कर लेते हैं कोर्स के बाद क्या ये कॉलेज सक्षम है कि हमें प्लेसमेंट दे पाएगा और 100% प्लेसमेंट दे पाएगा, हम दर बदर तो नहीं हो जाएंगे? ये बड़ा सवाल जो है वो बच्चों के दिमाग में आता है। नहीं सुमित जी, जो मैंने बात पहले कही कि कॉलेज ऑटोनोमस है और नैक ग्रेड ए का है, तो ये जो मान्यताएं हैं ये इतनी आसानी से नहीं मिलती है। ये जो एजेंसी देती हैं, ये एजेंसी का कॉलेज को ये ग्रेड देने का मतलब ही ये है, ये पेरेंट्स को इंश्योर करती है कि उनके बच्चों को जो पढ़ाया जाएगा और पढ़ाने के बाद जो उनका प्लेसमेंट होगा वो सभी एस्पेक्ट चेक करके देती है। और ये सारे कॉलेज नहीं ले पाते हैं, सारे कॉलेज इसलिए नहीं ले पाते हैं क्योंकि उनके सारे एस्पेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। ना उनका टीचिंग लर्निंग स्ट्रॉन्ग होता है, ना उनका कोर्स करिकुलम स्ट्रॉन्ग होता है, ना उनका प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग होता है। तो अगर आप सारे सेक्शंस में बहुत अच्छा काम करते हैं तब आपको ग्रेड ए मिलता है। तो आपने जो सीधा सवाल पूछा कि प्लेसमेंट, तो प्लेसमेंट में ये कहूँगा कि अमृतसर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस बहुत अच्छी प्लेसमेंट है और पिछले 2-3 साल आपने देखा कैसे कोविड में निकले, उसके बावजूद हम लोग जो कि 85% जो प्लेसमेंट है हर डिपार्टमेंट ने वो अचीव की है, कि अपने आप में बहुत बड़ा रिमार्केबल। जब इकोनॉमी स्लो चल रही थी, जब लोगों की नौकरियां जा रही थी, जब लोगों की सैलरियों में कटौती चल रही थी, उस वक्त के दौरान भी अमृतसर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के बच्चों की जॉब लगी है और उन लोगों को ज्वाइनिंग मिली है और वो लोगों अपने सक्सेसफुली कॉलेज से पास करते हुए अपना करियर की शुरुआत की है। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और प्लेसमेंट रिपोर्ट देखें। और सर जिस तरीके से वहाँ पे एकोमोडेशन को लेकर जो है कि बच्चे वहाँ जाएंगे तो हॉस्टल फैसिलिटीज का भी एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या उस स्टैंडर्ड की हॉस्टल फैसिलिटीज भी बच्चों को मिलती है वहाँ पे? देखिए ऐसा है, कैंपस के अंदर 3 हॉस्टल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, 2 हॉस्टल बॉयज के हैं और 1 गर्ल्स हॉस्टल है। तो हमारे पास एम्पल स्पेस है और बच्चों को रहने और खाने की सुविधा कैंपस के अंदर ही दी जाती है। तो जो बच्चे एडमिशन लेते हैं उनमें से सब बच्चों को कैंपस के अंदर ही रहने खाने की व्यवस्था कर दी जाती है। जिस तरीके से एक ग्लोबल स्टैंडर्ड अमृतसर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दिखा रहा है, जिस तरीके से एडवर्टीजमेंट हम लगातार देख रहे हैं और जिस तरीके से सारी कंपेनिंग चल रही है, तो बच्चों को आप सीधे शब्दों में बताइए कि क्या ये उनको एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म दे पा रहा है, सक्षम है कि वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म उनको मिल जाएगा अगर आप ये कॉलेज ज्वाइन करते हैं जम्मू कश्मीर के बच्चे? कैंपस में बहुत सारी इस तरीके के प्रोग्राम है, मैं आपको आपके माध्यम से 2-3 मिनट में सारा ब्रीफ कर देता हूँ। टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स के अंदर काफ़ी प्रोग्राम्स क्लब हैं, क्योंकि हम ऑटोनमस कॉलेज हैं तो हम सिलेबस के अंदर चेंजेस कर सकते हैं और सिलेबस को इंडस्ट्री ओरिएंटेड बना सकते हैं। इंडस्ट्री ओरिएंटेड बनाने का मतलब ये है कि जो चीज़ इस समय इंडस्ट्री की मांग है, किस तरीके की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को चाहिए, वही टेक्नोलॉजी को हम लोग सिलेबस में डाल करके बच्चों को क्लासरूम के अंदर पढ़ा सकते हैं, ताकि जो इंडस्ट्री है उनको वैसी सी मैन पावर ढूंढने में दिक्कत ना आए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कैंपस का एज है कि हम लोग बच्चों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सिखा करके उनको इंडस्ट्री रेडी कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो उनका इंटर्नशिप प्रोग्राम रहता है, इंटर्नशिप के लिए भी इंश्योर किया जाता है कि उनकी एक अच्छी कंपनी के अंदर इंटर्नशिप लगे। हम लोग जानते ही हैं कि सारे टेक्नोलॉजी प्रोग्राम के अंदर 2 महीने से लेकर के 6 महीने तक की इंटर्नशिप रहती है, तो इस इंटर्नशिप को अच्छे तरीके से अरेंज किया जाता है ताकि वो बच्चे ड्यूरिंग अपने प्रोग्राम के दौरान ही इंडस्ट्रियल एक्सपोजर ले सकें 2 महीने में और 6 महीने में, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंडस्ट्री रेडी हो जाती है। तीसरा ये कि जो हमारे पास सेंटर ऑफ एक्सेलेंसेज हैं, वो चाहे बिग डेटा में हो, चाहे रोबोटिक्स में हो, चाहे सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट सर्टिफिकेशन हो या ऑटोमोबाइल में हो, तो ये जो सारे सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हैं इनके थ्रू पढ़ते हुए वहाँ पर अपने कोर्स को चलाते हुए बच्चे जो एडिशनल एड ऑन कोर्सेज करते हैं, जिनके की नाम मैंने अभी लिए, वो सारों में कोर्सेज करते हुए उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का अवेयरनेस होता है और ये तीनों माध्यमों से अपने इंडस्ट्री रेडी करिकुलम से, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर से और ये एडिशनल जो
चाहे रोबोटिक्स है, सिक्स सिग्मा है, बिग डेटा है, या साइबर सिक्योरिटी है, या ओरेकल के कोर्सेज है, इन कोर्सेज को करने से वो एक खुद ब खुद बच्चे जो है वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म के ऊपर एक्सेप्टेबल इजीली हो पाते हैं और अपने आप को एलिजिबल कर पाते हैं। ये सारी सुविधाएं कैंपस के अंदर अवेलेबल है। जी सर, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि पिछले एक महीने से लगातार आपकी जो टीम है वो लगातार कैंपेनिंग कर रही है, और जितना मैं समझ पा रहा हूँ एक पत्रकार के तौर पर, बहुत अच्छे से ये लोग अपनी बात जो वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों तक। लेकिन ये एजुकेशन का मसला एक ऐसा है कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स को बताते हैं तो पेरेंट्स सेटिस्फाई होते हैं एडवर्टीजमेंट देख के, फिर वो आपसे जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपसे जैसे बात करेंगे या तो फिर कॉलेज जाके विजिट करेंगे तो उनको एक विश्वास बनता है। तो मुझे लगता है कि कम समय में आपकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है और जल्दी से जल्दी लोगों के पास पहुंच रहे हैं। और दूसरी चीज ये होती है कि अगर जैसे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके थ्रू भी बहुत सारे बच्चों को ये मैसेज जा रहा है कि कॉलेज अच्छा है, जिसको माउथ मार्केटिंग कहते हैं। और दूसरी जिस तरीके से ये लोग भी आपकी टीम भी पहुंचा रही है तो बहुत कम समय में बहुत सारे लोगों पर लोगों तक ये कैंपेनिंग पहुंची है। और मेरी हम लोगों की भी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप और सारी चीजों का खुलासा करेंगे क्योंकि समय कम है हमारे पास। आप जेके खबर नाव के साथ जुड़े, थैंक यू सो मच सर। और हम भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि बच्चों तक जो अमृतसर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जो करना चाह रहा है, जो मैसेज पहुंचाना चाह रहा है, वो जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच जी। आप जी 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 आसपास आप अपने आसपास के रीजन के स्टूडेंट्स को भी कह सकते हैं, ऐसे किसी प्रोग्राम में अगर आप दोबारा बुलाएंगे तो उनसे लाइव भी बात की जा सकती है, उनके जो क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल, आज समय नहीं था, मैं लाइव भी बच्चों को लेकर आऊंगा। नेक्स्ट टाइम जब भी होगा तो आप जहाँ भी होंगे मैं लाइव बच्चों को जोड़ूंगा आपके साथ। ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।